तो माइनक्राफ्ट में आज मैं करने वाला हूँ एक चंक को माइन। और भाई ये सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक था, मतलब कि भाई कितना बहुत ज्यादा टाइम लग गया मेरे को इसको करने में। तो भाई सबसे पहले हम माइनक्राफ्ट की बेसिक से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे भाई पहले वुड तोड़ेंगे, क्योंकि वुड के बिना भाई हम कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भाई पहले मैं ट्री काट लेता हूँ। तो क्या गाइस, ट्री काट लिया और अभी इसका क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ भाई। ओ भाई साहब, और भाई बाय द वे मैं उसमें खेल रहा हूँ, कौन सा मोड, हार्डकोर मोड में खेल रहा हूँ भाई, यानी कि मैं एक बार सिर्फ एक ही लाइफ है मेरे पास। तो यहाँ पे भाई मैंने स्टोन की पिकेक्स तो बना लिया, अभी इससे और अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे नज़दीक स्टोन ढूंढ रहा हूँ भाई, और भाई स्टोन भी मिल गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक मिल गए भाई। तो यहाँ पे पहले स्टोन थोड़े से कट कर लेते हैं, तोड़ लेता हूँ, सॉरी थोड़े से स्टोन तोड़ लेता हूँ, और उसके बाद इसके भी टूल्स बनाऊँगा, क्योंकि भाई किसी भी तरह से आज मेरे को एक पूरा चंक माइन करना है। तो भाई यहाँ पे मैं स्टोन की एक स्वर्ड बना लेता हूँ, और उसके बाद एक पिकेक्स भी बना लेते हैं भाई, क्योंकि भाई पिकेक्स भी जरूरी है। तो ओके गाइज, अभी यहाँ पे मैं थोड़े दो एक और टूल बना के तुम्हें मिलता। तो गाइज मैंने पूरे के पूरे टूल बना लिए, और अभी भाई थोड़ा सा खाना भी चाहिए होगा इसलिए। तो यहाँ से पहले खाना ले लेते हैं, थोड़ा सा बकरी, भाई बहुत ही ज़्यादा बकरी है, तो इनको क्यों ना मार लिया जाए भाई। तो गाइज अभी मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई मुझे अगर चंक माइन करना है तो थोड़ा सा तो अपग्रेड होना पड़ेगा ना। तो इसलिए भाई मैं ऐसा करता हूँ, आयरन नहीं तो डायमंड का टूल, डायमंड के टूल्स और आर्मर बना के आता हूँ भाई, क्योंकि भाई उसके बिना मैं क्या करूँगा भाई। चंक में अगर कहीं में मॉब स्पॉन हो गए तो मैं तो मर जाऊँगा ना, इसलिए ये हार्ड कोर है। तो ओके गाइज, भाई मैं ना सच्ची बता रहा हूँ, मेरी जो बाकी की दो दूसरी फाइल्स थी ना भाई, जहाँ पे मैंने डायमंड्स को ग्राइंड किया सब कुछ की भाई, वो डिलीट हो चुकी थी भाई फाइल, मतलब डिलीट नहीं यार, वो फाइल्स में क्या ही बताऊँ यार, ग्लिच हो गया पता नहीं कौन सा गंदे वाला। तो भाई इसलिए ये सीन जो है मैं तुम्हारे लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख रहे हो भाई। तो यहाँ पे भाई मैंने डायमंड के टूल्स और आर्मर बना लिया था, और यहाँ पे मेरे को एक बहुत ज़्यादा दूर विलेज मिल गया था, मतलब कि ये विलेज सच्ची में नहीं भी तो ना कम से कम 2000 ब्लॉक दूर था भाई, और 2000 ब्लॉक्स की जर्नी भाई मेरी, भाई मेरे को नहीं बताया यार कैसे ख़त्म हो गई भाई सच्ची में। उस टाइम पे जो मेरे रोना आ रहा था यार, मेरी 2000 ब्लॉक्स की जर्नी भाई। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक विलेज तो मिल चुका था, और भाई मैं इस विलेज के आसपास ही कहीं पे मैं सोच रहा था कि उस चंक को माइन करूँ, बिकॉज भाई अगर मैं अपने जहाँ पे मैं रहूँगा वहीं उसी के आसपास करूँगा ना भाई माइन, ताकि मैं अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको देख सकूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें वो जगह दिखाने के लिए लाया हूँ जहाँ पे मैं एक पूरा का पूरा चंक माइन करने वाला हूँ। तो यहीं पे आगे नज़दीक है भाई, और यहाँ से थोड़ा सा आगे था। तो भाई अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, था भाई इसका मतलब तुम्हें वीडियो शायद थोड़ी सी तो अच्छी लग रही होगी। तो भाई इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार इस चैनल को प्लीज़। तो भाई यहाँ पे जहाँ पे भी तुम वुड के लॉक्स देख रहे हो, तो भाई यहीं पे मैं एक पूरा का पूरा चंक माइन करने वाला हूँ। तो गाइज अभी टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भाई मैं करता हूँ रिकॉर्ड टाइम लैप्स। और भाई बता देना यार कमेंट्स में टाइम लैप्स कैसे लगी।
ओ भाई साहब, भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको माइन करने में, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है भाई। अभी ये मैं समझना कि ये पूरा हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा रहता, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ये। और यहाँ पे बाय द वे मेरे को दो एमरेड के ब्लॉक और मिल गए थे, तो इसलिए भाई मैंने इनको माइन नहीं किया, क्योंकि ये थोड़े से रेयर होते हैं। इसलिए तो यहाँ पे मैं अभी इसलिए आया हूँ वापिस, क्योंकि मेरी आयरन के जितने भी टूल्स थे और मेरे डायमंड की पिकेक्स, वही डायमंड की पिकेक्स की तो एचपी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी, तो इसलिए मैंने वो उसको चेस्ट में संभाल के रख दिया। और जो मेरे और ये भाई जो सामान तुम देख रहे हो, ये मुझे एक चंक को पूरा का पूरा अभी इस चंक को जो माइन कर रहा हूँ इसको माइन करने से मिला है। तो भाई अभी ना मेरे को थोड़ा सा आर्मर सॉरी आयरन ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं पिकेक्स बना सकूँ। तो भाई यहाँ पे ना मैं आयरन ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरे को ये मिल गया। ये बंदा कौन सा है भाई, इसको क्या बोलता है, पिलेजर। तो भाई मैं इसको वो कर रहा था, वार्ड में बिठा रहा था ताकि आगे मेरे को कभी रेड करनी हो तो मैं कर सकूँ। और भाई देख रहे हो इस बंदे ने लिटरली मेरे को मार दिया था भाई, दो हार्ट पे छोड़ा इस बंदे ने मेरे को। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले जाके सोते हैं, और मेरा बेड भी है ना जो भाई, वो भी चंक के पूरा का पूरा अंदर है। तो यहाँ पे भाई मैं तुम्हें आयरन कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो गाइज अभी ना मैंने भाई बहुत टाइम लगा दिया, भाई तुम देख सकते हो मेरे पास जितना भी मेरी आयरन वो थी स्टोन की पिकेक्स भाई, सब की सब टूट चुकी हैं भाई। उसका मैंने आयरन भाई बहुत ज़्यादा माइन किया, और भाई इस वर्ल्ड में पता नहीं क्या भाई आयरन मिलता ही नहीं है। तो भाई बहुत मुश्किल के बाद आयरन मिला, और जितना भी आयरन मिला भाई सबकी मैं वो बना लूंगा आयरन की पिकैक्स। तो भाई 10 बन चुकी है, ये मेरे को पता है इनफ नहीं है, लेकिन भाई 32 और भी हैं, तो मेरे पास इन टोटल 20 आयरन की पिकैक्स है। तो भाई मैं तुम दोबारा से टाइम लैप्स इंजॉय करो। तो भाई यहाँ पे ना ये सिल्वर फिश पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो गई भाई, मेरे को सच्ची में नहीं पता भाई ये कैसे हो सकती है। नहीं मतलब कि यहाँ पे नजदीक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं है, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्पॉन होती है, मेरे को इतना तो पता है भाई। भाई लेकिन ये कैसे, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताना भाई। देखो यहाँ पे ब्लॉक खोदने पे ये स्पॉन हो रही है, आई डोंट नो भाई। भाई अगर तुम्हें पता तो प्लीज कमेंट करके बताना भाई। तो भाई इस वाली वीडियो में मैं इतना ही माइंड करता हूँ, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो भाई मैं पक्का श्योर इसको बेडरॉक लेवल तक माइंड करूंगा, और वो भी एक ही वीडियो में। तो भाई मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा भाई, प्लीज उसके लिए 100 लाइक्स कर देना भाई। कुछ भी नहीं यार 100 लाइक्स भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कितना कर दिया, मतलब कि भाई मैंने बहुत ज्यादा ही खोद दिया इसको भाई, तुम देख सकते हो यार। इसलिए भाई प्लीज मेरी मेहनत यार जो की है ना भाई, 3 दिन की मेहनत भाई, मेरी मेरे को ऐसा लगा मेरी वो मेहनत वसूल होगी भाई। तो प्लीज भाई अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो भाई कमेंट्स में भाई कोई अच्छा सा इमोजी रेड हार्ट भाई दे के जाना कमेंट्स में प्लीज गाइज। और भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, और भाई हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।